मामला और किस बात को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? जी जी जी, देखिए मैं 20 साल से शिक्षक हूँ। मैंने जो भी पढ़ाई करी, मैंने तो हमेशा धर्मनिरपेक्षता ही पढ़ी। अपना देश भी धर्मनिरपेक्ष है। हमारे स्कूल में क्या है ना भैया, सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए अपना तो ये धर्म है कि स्कूल में केवल और केवल शिक्षा का ही प्रसार हो, बच्चे शिक्षित हों। इसलिए अपना ये उद्देश्य था कि स्कूल में कम से कम इस प्रकार से माहौल नहीं बने कि आज बच्चे टीका लगा के आ रहे हैं, कल कुछ और बच्चे कोई दूसरी चीज़ लगा कर आएँ। अपन चाहते थे स्कूल में केवल स्कूल यूनिफॉर्म में ही बच्चे आए, पर ठीक है कि कुछ बच्चे पेरेंट्स अपनी जो सही भावना थी उसको नहीं समझ पाए, तो अब उसमें उनने कुछ और गलत समझ लिया। उनको ऐसा लगा कि हम सनातन विरोधी है, ये तो बहुत गलत बात उन्होंने सोच ली। क्योंकि मैं खुद, मेरे बच्चे, यही बच्चे जो है ये खुद जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि मैं भले ही कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैंने अपने स्कूल में कभी कट्टर हिंदुत्व का प्रदर्शन नहीं किया। स्कूल में मैंने हमेशा बच्चों को देश के बारे में सिखाया, हमेशा ये सिखाया कि बेटा सबसे बड़ा धर्म है अपना देश धर्म। और मैं पर्सनली मानती हूँ भैया कि मानव धर्म सबसे बड़ा है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा है। और उसमें यही आएगा कि हम सबका सम्मान करें। और अच्छा, जिन बच्चों ने टीके लगाए थे और ये लोग बोल रहे चाटे मारे, इतना झूठ बोल रहे, जबकि वो बच्चों से ही पूछना। पहले दिन मैंने उनको समझाया कि धर्म अपने को महान बनना सिखाता है। और महान इंसान कौन होता है? महान इंसान वो होता है जो हर प्राणी में अपने ईश्वर को देखे। प्राणी बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, यहाँ तक कि मित्र हो चाहे शत्रु हो, अगर इंसान महान है ना, उसमें मानता है, तो सबको एक नज़र से देखता है। मैंने ये बात समझाई थी। मैंने बच्चों को मारा, ये तो इन्होंने 100% झूठ बात कही है। इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, वो तो ईश्वर ही करेगा। पर हमारा स्कूल का न तो ये उद्देश्य है, न ऐसा कुछ हम सोचते थे। और इस प्रकार से ये लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, इस बात को गलत दिशा दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। इससे समाज का हित हो ही नहीं सकता। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि ठीक है, स्कूल में कभी भी गलत चीज़ ना हो और ये इस प्रकार से हंगामा ना हो। इसलिए हमने तो यही निर्णय लिया है कि जिस बच्चे को जैसा टीका